Pari, welcome back to the yet another video of English with Vridhi Doshi. Welcome to my channel. मैं हूँ आपकी English educator Vridhi Doshi और आज के video में हम एक complete one shot revision करने वाले हैं animals का. It is a complete summary. So let's get started. Now ये जो हमारी poetry है ये Walt Whitman sir ने लिखी हुई है. It is written by Walt Whitman. ये song of myself से ली गई है जो in leaves of grass जो है ये जो book का नाम है leaves of grass ये उसमें से ली गई है. Now ये जो हमारी पोइट्री है उसमें हमारे पोइट ये बता रहे हैं कि कैसे उनको एनिमल्स से ज़्यादा कनेक्ट फील हो रहा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. वो बोल रहे हैं ह्यूमन्स आर नॉट वेरी गुड, एनिमल्स भी उनसे बेहतर होते हैं, इतने ज़्यादा खराब होते हैं ह्यूमन्स. तो इसीलिए क्योंकि वो एनिमल्स के तरीके एनिमल्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, वो उनको एनिमल्स ज़्यादा पसंद है, एनिमल्स की वे ऑफ लिविंग ज़्यादा पसंद आती है. दैट इज़ वाई ही सेज दैट Rather, I will name the poetry only animals. इसीलिए हमारे जो protagonist है या फिर हमारा जो main theme है वो ही animals के ऊपर है. तो therefore the title is also justified क्योंकि उनको animals के लिए और ज़्यादा what you can say is more inclined towards it. उनको animals ज़्यादा पसंद है. He likes the behavior of the animals more. सो वो बोलते हैं कि वो एक दिन यू नो ही विल जस्ट टर्न अवे, वो वहाँ से बस वो टर्न हो जाएंगे. ये जो मोम आया है ये जो ह्यूमंस है उनको छोड़ के एनिमल्स के साथ रहने चले जाएंगे क्योंकि एनिमल्स जो है वो इतने ज़्यादा प्लैसिड है, इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और उनके अंदर कितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है. उनको कोई भी चीज़ की कोई ग्रीड नहीं है, दे आर नॉट ग्रीडी अबाउट एनी थिंग, सेल्फ कंटेन है वो. बस दूसरों को देख के उनको भी वो चीज़ चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. दे आर वेरी दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ और वो अपने में ही बड़े हैप्पी है. तो यही जो इनकी सिंपलिसिटी है उसको देख के हमारे पोइट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो देखते ही देखते वहाँ पे घंटे बीत जाते हैं और उनको बस स्टेयर करते रहते हैं. ही स्टैंड्स ओवर देयर लॉन्ग एंड लॉन्ग और उनको ही बस ऐसे देखते रहते हैं. फिर वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एनिमल्स है यार ये कितने ज़्यादा अलग है. दे डू नॉट स्वेट, उनको कोई भी कंप्लेन नहीं है. स्वेट का मतलब है कंप्लेन. वो कोई भी वरी नहीं कर रहे, वो बिल्कुल भी रो नहीं रहे, वो बिल्कुल भी वाइन नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहे. उनकी जैसे भी कंडीशन है, जैसा भी उनका वे ऑफ लिविंग है, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहे वो. हमारे पास तो एक आलीशान बंगला होगा, ह्यूमंस के पास से बेस्ट चीज़ें होगी, फिर भी उनको कुछ ना कुछ कमी तो लगेगी. पर जो एनिमल्स है दे आर नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग क्योंकि उनके लिए सब कुछ परफेक्ट है, उनके लिए लाइफ एकदम सिंपल. तो वो लोग बिल्कुल भी स्वेट नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते हैं, रात को लेट लेट तक जाकर रिग्रेट नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं कि यार मैंने ये बुरा कर लिया. उनके सिंस उनके रॉन्ग डूइंग्स के बारे में वो रिग्रेट नहीं करते हैं. ह्यूमंस जो होते हैं उनको पता होता है कि ये उनकी एक्शन गलत है, फिर भी वो एक्टिविटी करते हैं और फिर रात को लेट लेट तक जाकर रोते हैं और बोलते हैं कि काश मैंने ये नहीं करा होता. पर एनिमल्स जो है वो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करते हैं. दे आर व्हाट दे आर और वो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं प्राउडली. जो एनिमल्स है एनिमल्स इतनी सिंपल लाइफ रहते हैं कि पोएट उनको देख के बोलता है कि मुझे ह्यूमंस को देख के अभी एकदम डिसगस्टिंग फील होने लगा है कि ह्यूमंस कितने खराब है. वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी खराब काम करते हैं और वो बोलते हैं कि यार मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो अपनी सेल्फिश ग्रीडी नेचर की वजह से करते हैं. पर अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स में कोई भी ज़्यादा इतना ज़्यादा सैड नहीं है. नोबडी इज डिससैटिस्फाइड, कोई भी अपसेट नहीं है कि यार कोई किसी को भी ग्रीड नहीं है कि उनको कोई भी क्रेज नहीं है कि उनको वर्ल्ड की सभी चीज़ें चाहिए. दे डू नॉट हैव एनी ग्रीड, उनको कोई अच्छी अच्छी बेस्ट बेस्ट चीज़ें नहीं चाहिए, उनको बस सिंपल सी लाइफ रहनी है. सो दे आर नॉट मेनियक्स, वो लोग पागल नहीं हो गए, एकदम ग्रीडी नहीं हो गए. पर ह्यूमंस जो है दे हैव अ मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, उनको बस चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ उनको ओन करना ही रहता है. और तब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस कि उनको सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए. दे वांट टू जस्ट बाय एवरीथिंग और वो भी बेस्ट चीज़ें चाहिए. अगर उनको वो नहीं मिलती है तो ह्यूमंस जो है वो एकदम डिमेंटेड हो जाते हैं, डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमंस और एनिमल्स में एक और डिफरेंस है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो
अपने लोगों के सामने, अपने एंसेस्टर्स के सामने झुकते हैं, और कभी कभी वो फेक भी झुकते हैं क्योंकि उनको उनके खुद के सेल्फिश नीड्स की जरूरत होती है. पर जो एनिमल्स होते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं है, वो ना ही उनके जात की तरफ, ना ही उनके काइंड, उनकी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के सामने कभी झुकते नहीं है, अपने एंसेस्टर्स के सामने भी नहीं झुकते हैं. कोई भी वो ऐसा नहीं बोलते कि अरे अरे तू तो इतना रिच है तो मैं तेरे को बहुत रिस्पेक्ट करूंगा. वो बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं होते हैं, बिल्कुल भी सैड नहीं होते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं. कास्ट, रिलीजन, क्रीड, किसी में भी वो एकदम बिल्कुल भी डिस्टिंग्विशमेंट नहीं करते हैं. वो किसी के सामने झुकते नहीं है और अपनी लाइफ एकदम रिस्पेक्टफुली और प्राउडली जीते हैं. और ऐसे ही उनकी लाइफ जैसे वो एकदम प्राउडली जी रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो एनिमल्स हैं वो पोएट की तरफ भी एकदम वो बोलते हैं कि ये जो रिलेशंस है मैं जैसा हूँ वो एक्सेप्ट करते हैं. उनका जो रिलेशन है, उनका जो नेचर है, वो पोएट को एकदम ट्रांसपेरेंटली बता दे रहे हैं कि लायन है तो वो एक ह्यूमन को खाएगा, वो छुपाते नहीं है. सो ही इज शोइंग हिज ट्रू कलर्स. लायन जो है वो अपने ट्रू कलर को दिखा रहा है पोएट को कि मैं भाई तू मेरे सामने आएगा मैं तेरे को खा लूंगा. ऐसा नहीं कि पीठ के पीछे वो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और फिर पीठ के पीछे से स्टैब करके जाता है. तो एनिमल्स ऐसा नहीं करते. एनिमल्स अपने ट्रू रिलेशंस, अपने ट्रू नेचर, अपने ट्रू आइडेंटिटी को पोएट के सामने दिखा रहे हैं, और वो पोएट एकदम एक्सेप्ट कर देते हैं कि अच्छा चलो तुम मुझे मार रहे हो तो मारो, पर एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो. और इसी नेचर को देखते हुए, इसी ऑनेस्टी को, इसी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए हमारे पोएट बोलते हैं कि उन एनिमल्स को देख के मुझे मेरी क्वालिटीज याद आती है कि कैसे एक जमाने में भी हम ह्यूमंस इतने ज्यादा ऑनेस्ट होते थे, इतने ज्यादा ट्रूथ होते थे. क्या हो गया है हमारे ह्यूमन काइंड को, क्या हो गया है इन ह्यूमन काइंड को जो एक टाइम पे इतनी ज्यादा ऑनेस्टी रखते थे, पर जैसे हम इवॉल्व होते गए उन्होंने पूरे जर्नी में ये सभी जो क्वालिटीज थी उनको एवेंस कर दिया, उनको छोड़ दिया. शायद से यही होगा कि बहुत टाइम पहले जब भी ह्यूमंस इतने ज्यादा ऑनेस्ट थे, जब भी उनमें ग्रीड आती गई, व्हेन दे स्टार्टेड बिकमिंग ग्रीडी, तभी उन्होंने ये चीजें, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ट्रांसपेरेंसी, ये सभी को धीरे धीरे वो लोग छोड़ते गए. और जैसे ही वो चीजों को उन्होंने छोड़ा, एनिमल्स जो सराउंड कर रहे थे उनको, उन्होंने ये चीजों को पिकअप कर लिया, और इसी वजह से आज ह्यूमंस इतने ज्यादा ग्रीडी है और एनिमल्स इतने ज्यादा ऑनेस्ट है. सो दिस इज द पोएट्री एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन. आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल. लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको कैसी लगी ये पोएट्री. कोई भी डाउट्स हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना. एंड येस गाइज, डोंट फर्गेट टू लाइक, comment and share. I will come up with many more such summaries for your term 2 examinations. So see you in the next class. Thank you all for attending. Bye everyone. Take care and a very hearty sayonara. Bye you guys.